आखिर किन अपाच से छह सितारों की जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं और इसी सीजन के बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं, किन की किस्मत चमकी है और किन को क्या क्या ऑफर्स मिले हैं और क्या क्या बातें आई हैं सामने और क्या क्या काम मिला है किसको किसको और किस किस चीज़ में, मतलब किस किस डेली शो में, कौन सी मूवीज़ में कौन कौन देखने देख कौन हमको कौन कौन देखने को मिल सकता है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। बिग बॉस इस सीज़न बिग बॉस रियलिटी शो कम और प्लेसमेंट का ऑफर ज़्यादा लगा, क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस इस सीज़न चला था एक चीज़ बहुत साफ थी और बहुत शुरुआत से हम सबको देखने को मिले कि इस सीज़न बिग बॉस खुद खेल रहे हैं और बिग बॉस जिस तरीके से इस सीज़न खेले हैं बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, बहुत चीज़ों पर उनको सराहना की। और इस सीज़न ना ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा मतलब हार्डली कोई होगा जिसको कोई काम ना मिला हो। इस सीज़न यूजुअली सबको कुछ ना कुछ काम दिया है बिग बॉस ने और सबको मतलब कोई ना कोई ऑफर तो सबको ही मिला है, फिर चाहे वो कोई भी हो। अभी आपको हाल ही में अगर मतलब बता दें तो निमित कौर अहलूवालिया जो है उन्होंने तो इवन एक ऑफर रिजेक्ट भी कर दिया। एकता कपूर ने उनको लॉकअप के लिए अप्रोच किया था, लॉकअप टू के लिए। आप सब जानते हैं कि लॉकअप वन कितना ज़्यादा हिट सीजन हुआ था यार, मतलब लॉकअप वन के जो विनर बने थे मुनावर फारूकी, आप देख सकते हो इस समय उनको कितनी ज़्यादा हाइप मिल रही है। और लॉकअप वन के जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबको कुछ ना कुछ हाइप तो मिला ही है, काम मिला ही है। जैसे पूनम पांडे हैं, देन करणवीर बोहरा और मुनावर फारूकी, पायल रोहतगी, ये सब अभी कहीं ना कहीं है। और अभी बीच में अर्चना गौतम को भी शो के लिए अप्रोच किया गया लॉकअप टू के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे सितारे हैं जिनको बिग बॉस के घर से ही प्लेसमेंट्स मिल गई, तो क्या क्या है। और सुम्बुल को तो भाई जैकपॉट लगता हुआ दिख रहा है इस चीज़ में। आपको बता दें कि सुम्बुल तौकीर खान जो है उनको एक सीरियल ऑफर हुआ है कुंडली भाग्य। अब सच में वो चीज़ सीरियल को करेंगी या नहीं करेंगी ये तो उन पर निर्भर करता है कि करेंगी या नहीं। और दूसरी तरफ बिग बॉस के घर में एक्टिंग करने के नाम से बदनाम शालीन भनोट को भी एकता कपूर की तरफ से ही ऑफर मिला। एकता ने खुद उनको उनकी सीरीज़ बेकाबू का ऑफर दिया है। और आपको बता दें कि अंकित गुप्ता और गौतम सिंह वो तो जब घर से बाहर निकले इनका ऑलरेडी एक शो मतलब शूट शुरू हो चुका था जुनूनियत का। और वहीं दूसरी तरफ है टीना दत्ता जिनको बिग बॉस के घर में शातिर प्लेयर बताया गया, गेमर बताया गया, उनको भी कलर्स की तरफ से अप्रोच किया गया दुर्गा और चारू के लिए लीड रोल में। और फिर हैं शिव ठाकरे जिनको अप्रोच किया गया खतरों के खिलाड़ी के लिए, और खतरों के खिलाड़ी शायद शो कर भी रहे हैं, सारे सारे एक मूवी ऑफर हुई है। उसके बाद है निमृत कौर अहलूवालिया जिनको खुद एकता कपूर ने LSD 2 के लिए साइन किया है। और फिर रूमर्स जारी कि प्रियंका चार चौधरी जो है उनको शायद नागिन 7 के लिए एकता कपूर साइन कर सकती है या करने वाली हैं, ऐसी खबरें हैं। अभी तक इस चीज़ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है इस प्रियंका चार चौधरी को लेकर। तो फिलहाल इतने कंटेस्टेंट्स को जो है बहुत सारे काम मिल चुके हैं। अर्चना गौतम को भी अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया किसी काम के लिए, तो अब देखने वाली बात है कि अर्चना गौतम को कोई काम मिलता है या नहीं, क्योंकि अभी तक उनको किसी ने अप्रोच नहीं किया है। और वहीं शिव की बात करें तो शिव को मूवीज़ ऑफ़र हुई हैं, डेली सोप्स ऑफ़र हुए हैं बहुत सारे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।